गुड मॉर्निंग किड्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? लेट्स रीड। ठीक है, तो हमने इसको पढ़ना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब देखो, व्हाट डू यू थिंक योर शैडो लुक्स लाइक? वो बोल रहे हैं कि जो आपकी जो परछाई है वो कैसी दिखती है? हाँ, तो क्या लिखोगे? माई शैडो लुक्स लाइक मी। माई शैडो लुक्स लाइक मी। What do you think your shadow jumps into bed before you can? वो बोले, why do you think? तुमको क्यों लगता है कि जो तुम्हारी परछाई है वो तुमसे भी पहले ही बेड पर जंप कर जाती है? क्योंकि उसे ज्यादा सोना होता है। ओके, और क्या हो सकता है? देखो, ऐसा कब होगा जब, जैसे हमारा बेड है, बेड के हमारी अपोजिट डायरेक्शन में माना बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, माना जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, तो बल्ब अगर वहाँ लगा हुआ है तो जब भी परछाई होगी मेरी वहाँ रहेगी, तो जब भी मैं जंप करूँगा तो परछाई मेरी उससे पहले वहाँ चली जाएगी। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर बल्ब होगा तो फिर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए बल्ब क्या होना चाहिए? आपके पीछे की तरफ होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा कि वो परछाई है वो आपके आपसे पहले चली जाएगी, अदरवाइज वो नहीं जा पाएगी। तो यहाँ क्या लिखोगे? व्हाई डू यू थिंक यूर शैडो जंप्स इनटू बेड बिफोर यू कैन? तो इसमें लिखोगे कि अवर शैडो जंप्स इनटू बेड बिफोर I can because the light bulb is in my opposite direction. Clear है? Yes sir. What time of the day do you think it is when your shadow is the tallest? Morning. ठीक है? क्या आएगा इसका सही आंसर? Morning. Morning. Read the lines from the poem and answer the following. अब देखो, पढ़ो जरा इसको, एक बच्चा पढ़ो। He is very very like me. Yes. From the heels up to the head. He is very very like me from the heels up to the head. Who does he refer to? इसका मतलब he किससे संबंधित है? Shadow. हाँ, तो क्या आंसर आएगा इसमें? Shadow. He refers to shadow. Who does me refer to? Me का मतलब क्या है? मैं. Myself. या कौन? Author. Author. Author कौन है? Robert Louis. Stevenson. ठीक है, उनका नाम भी लिख सकते हो। Why are he and me alike? वो बोल रहे हैं he और me एक जैसे क्यों हैं? क्योंकि वो हमारे ही है। क्योंकि वो हमारी ही shadow है। क्योंकि वो हमारी ही shadow है। क्योंकि क्या लिखोगे? Because that is my shadow. My shadow. Clear है? Yes sir. अब देखो, अब बोलोगे ये काम आपको एक दूसरे के साथ मिलके करने हैं। Pairs का मतलब होता है जोड़ा, मतलब दो बच्चे मिलकर इसको एक साथ भी कर सकते हैं। A dog chases you. What would you do if a dog chases you? वो बोल रहे हैं कि अगर एक कुत्ता आपके पीछे पड़ जाता है तो आप क्या करोगे? हम उसको डंडे से भगाएंगे। हम उसको डंडे से भगाएंगे। भागेंगे। हम भागेंगे। आप यहाँ पे क्या लिखोगे? We shall try to escape ourselves. हम अपने आप को, पहले तो हम अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे ना? क्लियर है? अब देखो, You have forgotten your homework copy at home. आपने अपनी जो homework की जो notebook है वो कहाँ छोड़ दी है? घर में छोड़ दी है। तो अब आप क्या करोगे? रफ में करेंगे। We shall do the school work at school work in the rough copy notebook. Clear है? Yes sir. You are alone in a room and the lights go out. वो बोल रहे हैं कि आप एक रूम में अकेले हो और लाइट क्या हो जाती है? चली जाती है। तो क्या करोगे? टॉर्च जलाएंगे। मोमबत्ती, कैंडल। We shall light the candle. कैंडल जलाओगे या कोई और, अगर आपके पास कुछ और चीज है तो उसको जलाओगे, जिससे कि अंधेरा दूर हो जाए। Shine a torch behind your hand and see its shadow on the wall. ठीक है, ये आपको एक्टिविटी करनी है कि आपने एक्टिविटी करनी है कि आपके पास एक टॉर्च है, टॉर्च आपने जलानी है और अपने हैंड को, हैंड की अपनी परछाई दीवार में देखनी है। उसके बाद हमने टॉर्च को आगे पीछे करना है और उसके बाद चेक करना है कि क्या होएगा, क्या होता होगा वैसे उसके बाद? आगे करेंगे तो छोटी होगी। ठीक है, अब देखो, मेक अ लार्ज हैंड ऑन द प्लेन सीट। अब ये एक एक्टिविटी है। अभी इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि एक प्लेन सीट पे एक हैंड बनाना है अपना। ठीक है, हैंड आप ऐसे में बना सकते हो रख के और उस पर पेंसिल से मार्क कर सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, डू द एक्शंस इज गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व व्हिच पार्ट ऑफ फिंगर्स ऑफ योर हैंड इज बीइंग यूज्ड। अब देखो, जब
अब जब आपने वो हैंड बना दिया है तो उसके बाद आपको ये करना है कि अगर आपको डोर की तरफ पॉइंट करना है, जैसे डोर की तरफ ऐसे पॉइंट करेंगे ना एक उंगली से, ठीक है, तो उस उंगली को आपने क्या करना है, वहाँ पर मार्क कर देना है और वहाँ पर ये लिख देना है कि यहाँ पर क्या है। या तो आप इनको नंबरिंग कर सकते हो, आप क्या करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब 7 आपने इसमें मार्क कर दिया, अब आपने एक हैंड बना लिया यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे होता हाथ, यस सर, ठीक है। अब पॉइंट एट अ डोर, अब पॉइंट एट अ डोर में कौन सी उंगली यूज करोगे आप, बीच वाली, ये वाली, ये, तो यहाँ पर क्या लिख लोगे, 1। वैसे ही बाउंस अ बॉल, बाउंस अ बॉल, पाम, 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 ये वाले यूज करोगे ना, ये इसको क्या बोलते हैं हम, पाम, पाम, ठीक है, क्लियर है। yes, वैसे ही जितनी भी ये चीजें हैं इन सबको चेक करोगे कि आप इनमें से कौन से हैंड के कौन से पार्ट को यूज करोगे, क्लियर है yes, कि नहीं है। yes,